सेम मैन रहेगा 24 घंटे एंड साड़ी मेंबरशिप ड्राइव शुरू होगी सी अब तो 10 दिन पहला एंड हुण असीं इत्थों कंप्लीट करांगे शुरुआत डेली इत्थे साडे जिहड़े बंदे पूरे होणगे दे विल बी डीलिंग विद मेंबर बनना चाहुंदे एंड देन असीं डिस्ट्रिक्टां दे विच असीं अपने ग्रुप बना रहे हां उत्थे हू विल बी फर्दर कैरिंग आउट सरकार ने किसान बिल वापस ले लिए हो लेकिन अभी भी वहाँ पर किसान लगातार धरना दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक एमएसपी पे गारंटी नहीं बनती वो वहाँ से नहीं हटेगी। मैं किसानों की बेनती की असि जेडे मेजर तीन इशू से मेजर तीन बिल से जिदे नाल मैंने विधानसभा करवाए से इन्हों रद्द करते हुए और हम प्राइम मिनिस्टर ने करती पार्लीमेंट ने करती लॉ बन गया प्रेजिडेंट ने साइन कर दी जेडे बाकी इशूज ने एक प्राइम मिनिस्टर बना रहे ने कमेटी पर्टिकुलरली एम एस पी के इशू तोमर ने पार्लियामेंट कही है कि प्राइम मिनिस्टर एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं और ये भी पूछे कि तुम पांच बंदे अपने इन्हों की डिमांड सी कि साढ़े कुछ मैंबर उस कमेटी के मैंबर हो और पांच नाम उन्होंने मंगे ने कि तुम भेज दो असं उस कमेटी शामिल कर लेंगे एंड पांच नाम उन्होंने पाते नाउ आई थिंक बाई गॉड रे से एक बार हो गई कमिटमेंट एट दिस लेवल वी शुड एक्सेप्ट। पहली तो जेडे बंदे लड़नगे उन्होंने तजर्बा अपना ही है दे आर देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन दे हैव एवरीथिंग एक सेटअप जरा है दैट इज ओनली सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और असं एडवर्टाइज करेंगे जो कुछ करना है वो साडा काम है बट कैंडिडेट अपनी इलेक्शन लड़ते हैं। हूँ मैं अपनी गल दसा थोड़ा 1980 अजीत सिंह सरहदी मेरी पार्लियामेंटरी चोन की लड़ाई हुई और वो अजीत सिंह सरहदी की सीट अकालिया ने चार महीने पहले अनाउंस की से मैंने 14 दिन मिले एंड आई वांट टू सी बड़ी ना टू सो इट डजंट दिस थिंग डोंट मैटर। कैप्टन साहब जिस तरह से बातचीत चल रही है तो कांग्रेस गवर्नमेंट कह रही है कि पहले वो काम नहीं किए जो उन्होंने कुछ ही महीनों में पूरे कर दिए लगातार इश्तेहार दिए पहला तो मैं तुम्हें दसना चाहता है मैंने हंसी हो रही है जब मैं देखता है पेजा दे पेज रिएक्ट कि आज 100 करोड़ इतने 200 करोड़ इतने इन्हों पता नहीं है। नंबर वन प्लानिंग स्टेज तो लैके इंप्लीमेंटेशन चार तो लैके एक साल चार महीने तो एक साल महीने तक लग सकता है। वर्ल्ड बैंक का मसला है एशिया डेवलपमेंट बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लियरेंस कॉस्ट शेयरिंग बेसिस से जो भी असं करते हैं ये तो सब ड्रामा कर रहे हैं इन्हों पता है सारे ये कुछ नहीं होना दो हफ्ते तो रिकॉर्ड लग जानी है फिर मैं थोड़ा ये दसना मैं दसना चाहता है और मैं गारंटी ना ये की है सारे लोग क्या है कि जिन्होंने और अज उन्हीं विशाल आई हैव बीन सेइंग दिस मेरा ख्याल पता नहीं कितने साल कितने महीने तो कि कौम अकाली इस पंजाब के जो असी प्राप्ति की है जो साड़ी मैनीफेस्टो से 92% वी हैव कंप्लीटेड और मैं कल क्यों दिते एडे थमे पे ने मेरे को जरा थोड़े बच्चों देखना चाहते यू कैन कमेंट सी
उस तो बाद एक रिकॉर्ड है किसी ना किसी आर गवर्नमेंट मेरी गवर्नमेंट जिन्हें बीजेपी ये कह रही है की अभी 117 सीटा दे रहे चलना औपचारिक ऐलान होगा मेरी रिक्वेस्ट होगी टू बोथ पार्टीज लेट अस पिक विनर्स अगर टिंसा साहब का विनर है मैं सपोर्ट करूंगा और बीजेपी भी करूंगी आई एम श्योर अगर बीजेपी का कैंडिडेट है सारे रख के करा साडा कैंडिडेट होगा आई एम श्योर उन्होंने रख के सारे रख करे बिकॉज सारे का मुद्दा एक है पंजाब जितना पंजाब जितना एंड पंजाब असि जिता है फर्स्ट यू स्टॉप शूटिंग माई सोल्जर्स देन वी टॉक अबाउट ट्रेड खब्बियां सज्जियां बाहां रहे ने ते राइट हैंड रहे ने कदों कु तुहाडे नाल दिखण नूं मिलणगे बाबा जी खड़े ने लुकिंग आफ्टर अमृतसर मैनू कहने से हुण बड़े कैंडिडेट हो गए साडे कोल सो आई सेड डजंट मैटर क्योंकि कमाउंदे वी विल थैंक सिलेक्शन कमेटी बैठी की दे विल चूज लेकिन तुसी गल कर रहे हो एमएलए और एमपी नो सिटिंग ने उन्होंने पहला इन्हों का कोरम कॉन्डक्ट लगन दो और बचन बचा नहीं तो तुम्हें पता है की करेंगे उस दिन ही उन्होंने सारे फंड फूड बंद कर दें कि प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे जैसे मेरे घर के पटियाले उस तरीके तैयार है ये नहीं कि जिन्हें कांग्रेस कर लैन असि उन्हें शामिल कर लिए जो पंजो असि तीनों पार्टियां कट्ठिया होंगी फिर ये गल ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ
ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ सर इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्या आने वाले एक हफ्ते के भीतर औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ेगी और आपकी पार्टी कितने पे और ढींसा साहब की कितनी पार्टी कितनी सीटें? इट्स टू सून टू से, पहले तो मीटिंग होगी, मिल तो रहे होंगे, मैं तो मिला भी नहीं किसी को कभी। आई हैव टू सिट विद द प्रेसिडेंट, आई हैव टू सिट विद द पंजाब इन चार्जेस, फिर ये बातें तो तब होंगी एक बार के काउंसिल में। कि मेरी रिक्वेस्ट जैसे मैंने की है, वी शुड गो ऑन सीट टू सीट बेसिस कि कोई कैरी पार्टी ले रही है। कैप्टन साहब पंजाब दे विच क्योंकि किसानों का एजिटेशन अजे जारी है, MSP का इशू है, जो केस रजिस्टर हुए वो वापस लैन का इशू है, तो लगता कि होपफुल हो तुसी कि ए इशू सर सवाल सुन लो तुसी, ए इशू इलेक्शंस तो पहला रिजॉल्व हो जाएगा और क्योंकि बीजेपी ने लेके पंजाब दे विच एक रेमनेंट है कि वो कन्विंस किवें करोगे? किसानों ने बड़े स्पष्ट तरीके नाल कहा कि असी किसी पॉलिटिकल आउटफिट नूं इनवॉल्व नहीं करना चाहते, इन्हां दी जिहड़ी समझौता है इस वेले इट इज बिटवीन द फार्म ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सवाल मेरे मैनू ना पुछो, तुसीं किसानों नूं पुछो। जिथे तक ये इशूज ने मैनू सवाल तुसीं कीता सी एंड मैं क्लैरिटी ओ दे रही थी, दैट आई थिंक जदों नैशनल कमिटमेंट हो गई एवरीवन शुड एक्सेप्ट दैट, बिकॉज इंप्लीमेंट करने को मैं कितनी कमिटमेंट कर देने और थोड़ा क्या जी मैं सवेरे कमिटमेंट की है चीफ मिनिस्टर शाम को लागू हो जाती है, नो कदे हफ्ता लग जाता है कदे 10 दिन लग जाते हैं। सर मेरा सवाल ये सीगा कि सर मेरा ये सवाल सीगा ये सॉल्यूशन वोट्स दे विच कन्वर्ट होएगा या नहीं होएगा, ये मैं कह रहा हूं। I can't say this, but I can say this. जो पंजाब दे विच करे ने, जो बेड़ा गर्क करता, जो करप्शन बढ़ी है पिछले दो महीनों के, तुसी आप देखो कौन पंजाब नूं खराब कर रहा, कौन बचाउण दी कोशिश कर रहा। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ?
अरे भाई ये तो कह रहे यू नो आई मैं बड़ा हैरान है थोड़े तो सारे दोस्तों ने कदे तुम मैं अकालिया नाल जोड़ देंगे कदे बीजेपी नाल जोड़ देंगे मैं कदों एज चीफ मिनिस्टर मेरी ड्यूटी की सी तुम मैं सुनाओ एज चीफ मिनिस्टर मेरी ड्यूटी सी टू गेट पंजाब वर्क थ्रू आई हैव टू जॉब्स वन वाज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच मींस मेरी डीलिंग विद द प्राइम मिनिस्टर होम व्हिच इज द सिक्योरिटी मैटर्स दैट इज विद द होम मिनिस्टर. Do you think the finance minister doesn't go twice or thrice a month to see the finance minister? Ashok ji janda food minister to visit do tin baar de agriculture minister ki janda October to milne ji. It is the duty of the government to do it. And I remember jadon Manmohan Singh di sarkar si aur Mrs. Patel ne assembly de vich kiya ke chief minister sahab अगर कोई लोड पवे तो साड़ी असी अपने प्राइम मिनिस्टर को करा देने कहते बीबी जी तुम बस करो मेरे थोड़े प्राइम मिनिस्टर तो मेरी उही बड़ी मदद कर रहे हैं तुम रह दो असी आप ही ठीक है. फिर असी गए पीएम को एंड पीएम को कहा कि सर यू आर गिविंग टू मच अटेंशन टू दिस पीपल जो आते हैं साडे पार्टी का मकसद है. यू नो व्हाट ही आंसर ही सेड कैप्टन साहब आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इट इज माई ड्यूटी. Same in the case of Mr. Modi. It's his duty to support us, and I can tell you now, and तुसी भी जानते होंगे कि कदे सानू ना नहीं कीती on any issue. They tried to help us. नहीं हो सकती थी, but जितने हो सकती थी, we got full, we are getting the Punjab government, not me, but now even Channi is getting full support from us. कैप्टन साहब ताड़ा गठजोड़ मुकाबला किस नाल देख रहे कांग्रेस आम आदमी पार्टी या अकाली दल किसी नाल नहीं आपसे मिलना आपके फार्म हाउस पर आना सर कुछ चुनिंदा मीडिया हाउसेस को तो ओके है वो तीन बार आते हैं हम सर डेढ़ महीने से विमल जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कारण की है जी क्यों नहीं मिल दिता वीडियो कैप्टन साहब, अगर पंजाब की राजनीति की बात करें तो हमेशा दो ही पार्टियां शुरू में लड़ती थी, चाहे कांग्रेस हो या अकाली दल हो। उसके बाद आम आदमी पार्टी आने के बाद तिकोना मुकाबला हो गया। अब एक आपकी नई पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर लॉन्च हो रही है। समय बहुत कम है, लेकिन आप अपने आप को कहां देखते हैं? मैं तो नंबर वन पे देखना। अगर आप ऑन द ग्राउंड स्ट्रांग है तो एमएलए एमएलए पता नहीं अगर थोड़े बठिंडे बठिंडा इन पता नहीं कि मेरे आवाज नहीं आप गुरदासपुर जलंधर अमृतसर वगैरह पता सारे होंगे कि साड़ी पार्टी का क्या है देख रहे जब नहीं होता माइक खड़े कर लिया तो कैप्टन साहब तुहानू तनखाइया करार दिता ध्यान सिंह मान रहे तुहानू तनखाइया करार दिता ध्यान सिंह मेरी गल सुनो छेवें पातशाह की गली अकाल तख्त और अकाल तख्त का जथन आ गया वो जो मर्जी करे ये कौन होंगे कैप्टन साहब इलेक्शन दे विच तुसीं जाना इलेक्शन रिटर्न की बनेगा खेती कानून रद्द हो गए ओ कैप्टन अमरिंदर सिंह दा रिपोर्ट कार्ड 4.5 साल दा ओ क्योंकि 70 दिन दा एक रिपोर्ट कार्ड एक कह के दिता गया कि कैप्टन साहब ने काम नहीं किया इलेक्शन इशू की ना हो गया मैं तुहानू जवाब दित्ता इहदा GST So, all issues, agar tusi jodo, tab it's nearly 94-95%. Agar thode bande de naal baitha hai, tusi mann rahe ho ki is time chal rahi hai ki 100%. Mere mayor ne ore kar ke baat maar rahe hai. Ek minute, dusre apne bande de naal kivein khade ge? Kis tarah apna stand spasht karenge apne bande de naal jagah de lo keh rahe ne? Jehde thode hai ge? Tusi kar lo kar.